हेलो अगेन एंड वेलकम बैक टू आवर कोर्स ऑन रिएक्ट नेटिव। आज हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे टैब नेविगेशन पर, जो कि अनदर एक एस्पेक्ट है विच इज़ वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल। टैब नेविगेशन एक कॉमन पैटर्न है मोबाइल ऐप्स में, और यहाँ पर आप डिफरेंट सेक्शंस ऐप के एक्सेस कर सकते हैं विद जस्ट अ सिंगल टैब। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। आप अपनी स्क्रीन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं टैब नेविगेशन के थ्रू। सो आपको एक टैब बार मिलता है, या तो वो बॉटम के ऊपर शो होता है कभी कभी, और कभी कभी आप उसको टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर भी शो कर सकते हैं। ये जनरली यूज़ किया जाता है टॉप लेवल नेविगेशन के लिए, और स्पेशली उन ऐप्स के लिए जिनमें कोई डिस्टिंक्ट कैटेगरी हो कंटेंट की या फंक्शनैलिटी की। इसके लिए पहला जो स्टेप है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। हम रिएक्ट नेटिव में एक लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए, वो अगेन सेम रिएक्ट नेविगेशन की लाइब्रेरी से ही आती है, लेकिन उसका नाम है बॉटम टैब्स पैकेज। इस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे यूजिंग npm install react-navigation/bottom-tabs कमांड। ये टर्मिनल के ऊपर रन करें आप, एंड इसके बाद आपका पैकेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम जाएंगे स्टेप टू की तरफ, जहां पर हम एक टैब नेविगेटर क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया है उसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इंपोर्ट करें, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बेसिक एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ। इस एग्जांपल में मैंने एक टैब नेविगेटर क्रिएट किया है दो स्क्रीन्स के साथ, एक है होम स्क्रीन और सेकंड है सेटिंग स्क्रीन। और क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर का फंक्शन मैंने यूज़ किया है, और इसके अलावा मैंने टैब डॉट स्क्रीन के अंदर कंपोनेंट्स दिए हैं। इसके अलावा भी टैब नेविगेटर में कुछ और प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हैं, उसके लिए आप सेम लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं और यू विल फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। और कुछ प्रॉप्स हैं, कुछ और दीगर चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो डेफिनेटली टेक अ लुक अगेन। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि टैब नेविगेशन आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप में, और इसको यूज़ करते हुए आपका जो एक यूज़र एक्सपीरियंस है नेविगेशन का, वो बहुत ही एक इंट्यूटिव सा क्रिएट हो सकता है, स्पेशली फॉर ऐप्स जिनके डिस्टिंक्ट सेक्शंस हो और जहां पर आपको टॉप लेवल की नेविगेशन चाहिए हो, जैसे कि फेसबुक की ऐप है वेयर यू कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस विद जस्ट अ सिंगल टैप। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक और नेविगेशन की टाइप को डिस्कस करेंगे, जो है ड्रॉअर नेविगेशन। अंटिल देन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लीव इट बिलो, और मैं कोशिश करूंगा कि आई कम बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो अंटिल देन, हैप्पी कोडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग 10 BTP React Native Basics course।